अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? यकीन ठीक होंगे, बदल की दुआ है कि सब जहाँ भी हो खुश हो। और आज मैं आपको ये कुर्ते की ब्लैंकेट बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। और ये 1 साल के बच्चे की तकरीबन मेजरमेंट है जो मैंने ली है। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी फ्रंट और बैक को अलग कर लेते हैं, और एक छोटा सा एक्स्ट्रा पीस भी हम फैब्रिक का ले लेते हैं। उसके बाद हम इसकी जो है पेपर तो की कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए हम इसकी मेजरमेंट करते हैं, और 1 साल के बच्चे के लिए मैंने मेजरमेंट ली है ब्रैकेट की। तकरीबन इसकी लेंथ 6 इंच तक रखी है मैंने। और अगर आपके बेबी हेल्दी है, आपका कुर्ता लंबा है, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन सही है। और 1 इंच से थोड़ा कम इसकी विड्थ ली है, इतनी। ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर बनता है। इसकी विड्थ जो है मैंने ब्रैकेट की रखी है। आप इस तरह से उसको निशान लगाकर कट कर लें। निशान लगाकर कट करेंगे तो आपकी जो है ब्लैंकेट नीट बनेगी। बहुत ही आसान है, ब्लैंकेट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इस वीडियो को फॉलो करके जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती और वो सीख रहे हैं, तो वो भी इसको इजीली बना सकते हैं। मोस्टली ये समझा जाता है कि बॉय के कुर्तों में ब्लैंकेट बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इस मेथड को देख कर कहेंगे कि वाकई आसान है। अब ये दूसरी पट्टी हमने तैयार की है, उससे थोड़ी सी इसकी विड्थ मैंने कम रखी है, और इसकी लेंथ तकरीबन उतनी ही रखी है, बल्कि उससे थोड़ी ज़्यादा आप ले लें तो बेहतर है। ये बटन पट्टी है जिस पर बटन लगेंगे, और दूसरी चाक पट्टी थी जिस पर चाक बनाए जाते हैं। बटन पट्टी हमेशा नीचे होती है और चाक पट्टी पर होती है, और उसकी विड्थ हमने ज़्यादा रखी है। आप इनको कट करने के बाद नीट जरूर करें, क्योंकि नीट करने से आपकी ब्लैंकेट जो है वो और भी ज़्यादा नीट बनेगी। साइडों से थोड़ी थोड़ी जो है ऊपर नीचे और अच्छी तरह से नीट कर लें। दिखने से थोड़ी सी छोटी है, बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन छोटी बेहतर रहती है, अच्छी लगती है। अब हम ये शर्ट की कटिंग करेंगे अपनी ब्लैंकेट के साइज की। जो भी आपका कुर्ता है, आपने उसको इस तरह से बिल्कुल मिड करके तय लगाना है, और उसकी राइट साइड पे आपने थोड़ा सा अंदर की तरफ बिल्कुल थोड़ा सा देख लें आप, इतना सा अंदर की तरफ आपने कट लगा देने हैं। जितनी भी आपकी ब्लैंकेट की लेंथ है, उससे 1 इंच जो है वो छोड़ कर नीचे से आपने इसकी कटिंग करनी है ऊपर तक। तो देखिए, अब ये हमारी उस साइड की है ब्लैंकेट। आपने अपना कुर्ता उसी हिसाब से रखना है जैसे आपने अपनी ब्लैंकेट लगानी है। अक्सर ये मिस्टेक होती है, माय व्यूअर्स कहते हैं कि ये हम भूल जाते हैं कि ब्लैंकेट जो है वो किस साइड पे बनाते वक्त तो आयरन जो करना है कपड़ा, वो मुझे गलत हो जाता है। तो आप हमेशा अपना कुर्ता इस तरह सामने रख के फिर आयरन करें। अब हम जो है मैं चाक पट्टी को आयरन कर रही हूँ। इस पर आप ग्लू स्टिक भी लगा सकते हैं, इससे नीटनेस ज्यादा आती है, ये वॉशेबल होती है, आसानी से उतर जाती है। इससे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आपकी फिक्स हो जाएगी ये ब्लैंकेट के ऊपर से ये कपड़ा सारा कुछ। आप जस्ट सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, आप डबल कर ली है। हमने ऐसे रखना है उसका रुख ब्लैंकेट को आयरन करते वक्त, जिस रुख पे हमने लगानी है ब्लैंकेट। ये देखिए, हमने लेफ्ट साइड पे लगानी है, तो इसका लेफ्ट साइड पे ही मुंह है, मतलब ओपन रखा है हमने लेफ्ट साइड से। एक तय लगानी है और फिर ये दूसरी तय, इसलिए लगाई थी एक तय और दूसरी तय हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा काटनी है अंदर की तरफ ये कपड़ा करने के लिए। इतना छोड़ कर आप कट कर लें। ये देखिए, ऊपर की तरफ पहले हमें आयरन करना है। उनकी ऊपर की तरफ आयरन करने का एक फायदा होता है, ये मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। अब हम इसकी सारी तहों को आयरन कर लेंगे थोड़े नीचे से अच्छी तरह से। तकरीबन 1 इंच की हमने नीचे बॉक्स बनाना है। जितना बड़ा आप बॉक्स बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से फैब्रिक कट करेंगे। इस तरह से मेथड नोट कर लें। और आप पीछे से राउंड शेप भी बना सकते हैं, वी शेप बना सकती हैं, जिस तरह से आप
चाहें और इस राष्ट्रीय शेप में बना सकते हैं। अब हम नीचे से भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और आयरन कर लेंगे। इस पर भी ग्लू स्टिक लगा लें, क्योंकि यहाँ से जो है मोस्टली व्यूअर्स कहते हैं कि यहाँ से हम जब जब बनाते हैं इसको ऊपर स्लाइड करते हैं तो यहाँ से गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे कपड़ा बाहर निकल आता है थोड़ा बहुत और नीट टेस्ट नहीं आती। जब आप ग्लू स्टिक लगा लेंगे इस तरह हर तरफ तो हमें भी कोई भी मुश्किल नहीं होगी, जस्ट आपने ऊपर रख के सिलाई लगाते जाना है। कहीं से भी आपको कपड़ा जो है वो पकड़ कर उसको सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखें, इस तरह से रख कर देखें तो हमने लेफ्ट साइड पे अटैच करनी है, तो इसको ओपन साइड भी लेफ्ट साइड पे है। ये मेथड, ये ट्रिक हमेशा याद रखें तो कभी भी आपकी ब्लैकेट जो है वो गलत आयरन नहीं होगी। अब हमने बटन पट्टी तैयार करनी है। बटन पट्टी देखें, मैंने फैब्रिक पर इस साइड पे अटैच की है ताकि इसको जब फोल्ड करें, इसकी तह लगाएं, तो इसकी ओपन साइड जो है वो राइट साइड पे हो। आपकी राइट साइड पे ओपन साइड होगी तो इसको आराम से ही अटैच हो जाएगी। ये भी हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट कर लेना है। इसको भी हम ऊपर की तरफ करके पहले आयरन करेंगे। ऊपर की तरफ आयरन करने का फायदा ये होता है कि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो ये हमारा थोड़ा थोड़ा, ये देखिए, फैब्रिक बाहर रह जाता है और सिलाई में जो हमारा छूटता नहीं है नीचे वाला कपड़ा, वरना अक्सर जो है हम ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे वाला कपड़ा निकल जाता है और फिर उससे हमें मुश्किल होती है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो आराम से हमारी सिलाई लग जाएगी। ये देखिए, ये हमने राइट साइड पर लगानी है। अब हम अटैच करते हैं इसको। ये हमारी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। पहले हम अपनी राइट साइड की बटन पट्टी जो है, बारीक पट्टी जो है वो अटैच करेंगे इस तरह से। अंदर थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर लेकर थोड़ा सा ज़्यादा लिया करें ताकि जो है सिलाइयों में निकले नहीं। और यहाँ पर पट्टी लगाते वक्त आपने ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कपड़ा अंदर कर लिया और कहीं थोड़ा, इस तरह से आपकी प्लेट सही नहीं आएगी, स्ट्रेट नहीं आएगी। आपने बिल्कुल इक्वल ही लेना है कपड़ा ऊपर नीचे से इस तरह से साइड पे करके। हमने ये जो कट लगाया था, ये देखिए इसका कितना फायदा है, वो उतना ही कपड़ा हमें अंदर लेना है जो हमने कट लगाया था। वो हम इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे, चाहे तो दूसरी साइड पे आप पहले भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी नीटनेस चेक करें आप, कितनी नीट बनी है आपकी अंदर वाली साइड। अब हमने अपनी ऊपर वाली साइड जो है चाप पट्टी जो है वो रेडी करनी है। ये देखिए, ये नीचे कर देंगे जो एक्स्ट्रा होगी। अब हम लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट बनाएंगे। लेफ्ट साइड से मुराद मेरी लेफ्ट साइड नहीं है, शर्ट की लेफ्ट साइड है। ये देखिए, ये इसकी ओपन साइड, आराम से हम इसके अंदर रखेंगे। सबसे पहले हम इसकी दोनों नेक्स को, दोनों साइड्स को पकड़ के मेयर कर लेंगे, और जितनी एक्स्ट्रा होगी इसकी एंड में बराबर हो, एंड में दोनों का साइज इक्वल आना चाहिए, बड़ी छोटी नहीं हो पट्टी। उसके बाद जितना कपड़ा एक्स्ट्रा आपके पास बच रहा है वो आप अंदर कर देंगे। ये बिल्कुल बराबर है, तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से भी हमने बराबर ही कपड़ा लेकर अंदर देना है, वरना कमीज जो है, अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप अपने पेंसिल या चॉक से निशान भी लगा सकते हैं कि किस लाइन पर आपने सिलाई लगानी है शर्ट पर। अब यहाँ पर आकर हम इसकी बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के लिए यहाँ पर अच्छी तरह से सही करना होगा, और शर्ट का जो बिल्कुल मीट है उसको आप पहले आयरन कर लें या पेंसिल से निशान लगा लेंगे। देखिए, मैंने चौक से निशान लगाया हुआ है, बिल्कुल जो इसका मीट है, ये आपकी ब्लैकेट बिल्कुल इसके मीट में आनी चाहिए, वरना आपकी ब्लैक सही नहीं बनेगी। ये देखिए, यहाँ पर आकर आप स्टॉप करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो बनाना होता है, लेकिन हमने चूंकि ग्लू लगाई हुई है, हमें किसी तरफ से भी कपड़ा अंदर फोल्ड नहीं करना पड़ रहा, आसानी से हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बिगनर्स भी सीख सकते हैं, उनको भी कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। अगर आपको हमारा ये मेथड पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल का विजिट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए तो वो आपको मिल सके। और इसके लिए आप साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ये हमने यहाँ पर 1 इंच की ब्लैकेट बनाई, बॉक्स बनाया है। ये थोड़ा सा निशान लगा लें आप। इस तरह से हमारा बॉक्स बनता है। फिर हम वापस ले जाएंगे इधर से सिलाई को,
की दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। तो चाहे तो आप सिलाई पहले भी लगा सकते हैं ये वाली, अगर आपको इस तरह से लगाने में मुश्किल पेश आती है। लगाना मुश्किल नहीं है, अगर जो बिगनर्स हैं उनको शायद मुश्किल लगे, तो आप ये सिलाई पहले ही लगा लें अटैच करने से पहले, वो सीधी आसानी से लग जाएगी। ये हमने दूसरी साइड पीछे कर देनी है यहाँ से आराम से, और फिर इस साइड पे हमने ये सिलाई लगानी है। वही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि वो भी ये मेथड जो है इसे फ़ायदा हासिल कर सकें, और सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखें जैसे हमारी नीटें सेव करें कि कितना हमारी नीटी ब्रैकेट बनी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। तो अपने बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, हमें भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुश करते रहें, और अपना बहुत अच्छे से बहुत भी कह रही हूँ ख्याल रखिएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक से हमें खुशी भी होती है और पता चलता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं नेक्स्ट। ये देखें यहाँ से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हो गया है हमारा, ये हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे इसकी बैंड लगाते हुए। तो इंशाल्लाह बैंड की भी मैं सिखाऊंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।